मैं सोच रहा हूँ फॉर द मीन टाइम फॉर्च्यूनर ले लूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मैं गाड़ी चलाता हूँ ना, मतलब जैसे हम गड्ढों में नहीं रोकते, तो मुझे लगता है उस हिसाब से तो भाई फॉर्च्यूनर ही सूट करेंगे। सो व्हाट्स अप गाइस, सारे वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल। आई होप सारे बहुत अच्छे हो गए। तो हम आ चुके हैं अमृतसर। यहाँ पे वैसे बहुत कुछ खाया, लेकिन हमने व्लॉग नहीं बनाया। व्लॉग हम अब बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल ना एनर्जी लेवल्स की ऐसी तैसी हो रखी थी। तो अभी हम आ रखे हैं यहाँ पे देव दुर्गा। यहाँ पे भाई कुल्फी मिलती है, हमने डाइट की ऐसी तैसी कर दी, क्योंकि यार इम्पोर्टेंट है ब्रो ये चीज़। अमृतसर आया, ये नहीं खाया तो क्या खाया, हमारा मन हो गया था। तो अभी थोड़ी सी डाइट की करते हैं ऐसी तैसी, और हमारे पूरे जूते की भी ऐसी तैसी हो गई है, तो हम साफ कर लेंगे। बाकी फटाफट से रेडी होते हैं, फिर आज आपको थोड़ा सा अमृतसर दिखाते हैं, फिर करते हैं बाबा जी के दर्शन। तो भाई ये सारे लोग तो अभी सो रहे हैं, अभी इन्होंने दर्शन नहीं करे, बाकी ये लोग अभी रेडी होंगे। मेरा फ्रेंड आ रखा है रिपुल, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, तो तब तक ये लोग रेडी हो रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ। बाकी भाई रेडी हो जाएगा फटाफट से, एक घंटे आधे घंटे पहले फोन, निकलने से पहले फोन कर देना, हम नहाने चले जाएंगे। ठीक है रमन, तू भी भाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम 1 बजे तक उससे पहले खुद रेडी हो जाना, ठीक है सिरजन? ओके, एक बार फोन कर देना यार, अगर सो रखे हो तो 2-3-4-5-6-7। हाँ बाकी एक और काम कर लियो भाई, मैं जा रहा हूँ वो जो लगवाना है ना एक्स्ट्रा बेड, एक्स्ट्रा बेड। ओके भाई चलो मैं जा रहा हूँ। बाकी इन लोगों ने आज तीनों ने स्विमिंग पूल में बहुत एंजॉय किया भाई, मैं तो अपना सो रहा था, मैं रेस्ट कर रहा था। तो सूरज दी बड़कते उठदा यार, राती सौंदा नहीं, मोटे 4-5 पैग मार, ओ कोई परवाह नहीं, पाया पिया गा बंदे हुंदी है सोटे मारे, जिंदगी ता यार जो दे रे यार जो दे रे, मिलदी ना देड़ी किसे मुल्ल ते नी, जिंदगी ता यार जो दे रे मिलदी ना देड़ी किसे मुल्ल ते नी, जिंदगी ता फाइनली जी हम हो रखे हैं रेडी। वैसे तो मेरा मन है कि जैकेट पहन के जाऊं, जस्ट इन केस कि थोड़ा हेल्दी ना लगो, बट कोई ऑप्शन नहीं है भाई, क्योंकि बाहर हो रही है बहुत ज्यादा गर्मी। बाकी अवलीन हो गया रेडी ब्रो, चले चलो लेट्स गो। चलो भाई चलो चलो, पहले हम करते हैं ब्रेकफास्ट फिर हम चलते हैं। भाई तूने तो खाना नहीं, चलो ठीक है जी। अरे रमन फ्री है, मैं यही सोच रहा था, मैं बोला नहीं फ्री का, फ्री है चल। सो फाइनली हम आ चुके हैं गोल्डन टेम्पल की पार्किंग में, और भैया जितना खाना हमने 1.5 दिन में खाया ना, मुझे लग रहा है भाई उतना खाना ना हमने पिछले 1 हफ्ते में नहीं खाया होगा भाई। मेरा तो मुझे फीलिंग आ रही है कि भाई जो मेरा पेट है ना वो यहाँ तक भरा हुआ है। 4 बार तो आप वॉशरूम में चले गए सुबह 4 बजे से भाई 4 बार वॉशरूम चले गया, बट फर्क ही नहीं है भाई बिल्कुल भी। बाकी अभी बाहर की साइड पर निकलते हैं, हम फटाफट से गोल्डन टेम्पल के दर्शन करते हैं। और अभी हम शायद 12 बजे आए हैं, तो मेरे को लगता है मे बी जो क्राउड है ना वो कम है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि इस टाइम धूप ज़्यादा होती है ना। अभी हम दर्शन करने आ रखे हैं, और मेरे को लगता है हमें अराउंड 2 आवर्स लगेंगे ना, ढाई ढाई घंटे। रमन को कितना टाइम लगा था कल, 2-3 घंटे भी इतना ही लगा था रात को। चलो बाकी अब देखो गाइस कितनी संगत आ रखी है। तो भाई हम दर्शन करने के लिए कब कितनी देर से लाइन में खड़े हैं, 2 घंटे हो गए हैं भाई, 2 घंटे हो गए भाई, हमारे सामने सामने इतने लोग चले भी गए भाई यहाँ से, बट बहुत ज़्यादा लाइक संगत है बहुत ज़्यादा, पर कोई नहीं मज़ा आ रहा है भाई। लिटरली अभी जहाँ हम पहुँचे हैं ना भाई, इतनी बढ़िया हवा आ रही है, मन कर रहा है यहीं खड़े रहें थोड़ी देर। बाकी भाई पानी पानी मिल गया, पीछे से मिला ना, पीछे से मिला। चलो ठीक है भाई, फाइनली दर्शन करते हैं, और बाबा जी के आपके भी आपको भी दर्शन कराते हैं। बाकी ज़्यादा ब्लॉग बन नहीं पाया अभी, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा अभी भीड़ हो रखी है। बाकी मिलते हैं। सो भाई हम लोग अमृतसर से निकल चुके हैं, बाकी भाई मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ, अब समझ नहीं आ रहा हम चंडीगढ़ जाके रुके हैं या दिल्ली जाके रुके हैं, इनिशियली तो दिल्ली जाना है। बाकी जब तक चल रहे हैं तब तक चल रहे हैं। बाकी मुझे ना एक चीज़ प्रॉमिस करता रमन, कहता भाई आज मैं स्टारबक्स पिलाऊंगा, जल्दी से मम्मी का कॉल आ गया बीच में। हाँ भाई फिर डन है, डन है डन भाई, स्टारबक्स पिलाऊंगा कल और परसों 3 दिन। सही में स्टारबक्स क्यों, ऐसा क्या हो गया? बस जो तुमने देख लिया मेरे अकाउंट में, कोई बात नहीं भाई, 3 दिन जनमन। बाकी भाई बाकी भाई मुझे बताओ ट्रिप में मजा आया भाई, कोई कमी पेशी तो नहीं ब्रो? नहीं रमन रमन ना होता, रमन मतलब 2,000-3,000 वाला पैकेज बता दे, बढ़िया था। वही बाकी बता दो ब्रो, 3,000 के पैकेज में क्या क्या मिला? 3,000 के पैकेज में मिला 5-स्टार होटल हयात का, सुबह शाम रात का डिनर, फिर ऊपर से सुबह शाम रात का, उसके बीच में भी देखो डिनर,
दो लंच मिले हैं। हाँ अब तो हवाबाजी मार रहा हूँ, सुबह का डिनर मिला है, सुबह का लंच मिला है, सुन ले मेरी बात। ओ भाई अबे भाई सुन, ओए अवलीन के बाद आज उठाई है मैकडी रुके, हल्दीराम रुके, रस्ते में चुटरम पुटरम जो खाया वो खाया, उसके बाद यहाँ से स्पेशली चंडीगढ़ जा रहे हैं, शाही सवारी बढ़िया है, तीन जगह पैकेज। और उसके बीच में भी फिर जो तू कल रुका था दुकान पे जहाँ तूने वो क्वार्टर करके चिकन खाए थे, चुटरम बोल तो रहा हूँ बट ठीक है। मगर ये एक बात है भाई, लोग कहते हैं ना अमृतसर में चिकन अच्छा नहीं है, एक दुकान है उसका चिकन बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी था उसका, एक ही थी वो दुकान, एक ही थी। हाँ लेकिन एंड सिस्टम था, बाकी भाई इन द एंड मजा आया बहुत ज्यादा। अब नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की प्लान करें वो भी कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट ट्रिप ऐसी प्लान करो जहाँ खर्चा वैसे नूर का लगे 2 लाख और हमारा लगे कितना 3-4 हजार रुपए वहाँ भी। फिर लास्ट में जब हम इनको सुनाए ना किसी ने, दो बोले अबे पैसे नहीं दिए थे क्या 3 हजार रुपए, 3 हजार पिछली बार मैं लद्दाख लेके गया, लद्दाख लेके गया हूँ, 3-4 लाख रुपए खर्च दिए एक दिन, मैंने तो सुना दिया, मुझे कह रहा अभी 7 हजार नहीं दिए थे क्या, पैसे नहीं जाता मैं फ्री में कहीं भी, बता ये बात। भाई नेक्स्ट ट्रिप बताओ कहाँ चले भाई, तो एक जगह सोच रखी है हमने। भाई नेक्स्ट ट्रिप मैं आपको बताता हूँ कहाँ जाएंगे, अभी ना हम ना गाड़ी का फाइनल कर रहे हैं, एक गाड़ी सोची है, पहले मैं मस्टैंग सोच रहा था, सच बता रहा हूँ मस्टैंग सोची हुई थी, लेकिन भाई मुझे किसी ने बोला जो मस्टैंग है ना वो थोड़ी इस टाइम पे ओवर वैल्यूड है, क्योंकि जो पुरानी जो नई मस्टैंग है वो बंद हो चुकी है, तो जो पुरानी की वैल्यू है ना 50 लाख से 70 लाख हो चुकी है। अब फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाएगी भाई मस्टैंग वाले बोल दें कि भाई हम नई मस्टैंग निकाल रहे हैं, तो जो पुरानी मस्टैंग है ना उसका प्राइस गिरेगा बहुत जबरदस्त तरीके से। तो मैं सोच रहा हूँ फॉर द मीन टाइम फॉर्च्यूनर ले लूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मैं गाड़ी चलाता हूँ ना, मतलब जैसे हम गड्ढों पे नहीं रोकते, तो मुझे लगता है उस हिसाब से तो भाई फॉर्च्यूनर ही सूट करेगी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई फॉर्च्यूनर फाइनल कर दें, दो सेकंड हैंड लूंगा, नहीं नहीं लूंगा भाई, कहीं आप सोच रहे मैं लेजेंडर निकाल रहा हूँ, बाकी भाई बताना भाई फॉर्च्यूनर का क्या करें। बाकी भाई फेस पे मुझे अब लग रहा भाई नेक्स्ट लेवल फैट आ चुका भाई, इतना खाया ना इतना, मतलब पूरे रास्ते हमने चरा ही है भाई। ठीक है अवलीन डन जा, उठ जा भाई, फिर मजा आया था, अगली बार आएगा घर जाके मत बोलियो, मैसेज करके मम्मी वगैरह कुछ नहीं खिलाया मुझे। चलो ठीक है, बाकी ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।